एंट्रेंस एग्जाम दी थी स्कूल का। फाइनल आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि क्लास 6, 9 और 11 का, इन सब का रिजल्ट आ चुका है और इनके एडमिशन का डेट भी आ चुके हैं। मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि आपका जो एडमिशन होगा किस तरीके से होगा, मतलब आपके अगर आपके नाम आ गए हैं तो किस तरीके से एडमिशन हो गए जामे, उसके बारे में बात करेंगे। बड़ा सिंपल, आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आप जो बातें मैं आगे बताने वाला हूँ। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है JMICOE। जैसे आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपका जामिया इस्लामिक आइकन आएगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का सा नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एडमिशन्स वाले जस्ट सेक्शन के नीचे स्कूल रिजल्ट का आइकन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद सबसे पहले कोर्स का टाइप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसके बाद आप किस क्लास के लिए चेक करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको यहाँ पे एज इट इज आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद सर्च बार का बटन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको इस पर सिंपली क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से सारे कोर्स का देख सकते हैं। मैं बस यहाँ पे आपको बताने वाला, देखिए सर्च किया तो मैंने इस तरीके से लिस्ट आ गया। ये तीन लिस्ट है, एक जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी का है, दूसरा सैयद आबिद का है, और तीसरा जो है जामिया सीनियर सेकेंडरी का है। इसमें तीन लिस्ट है, तीनों लिस्ट में स्टूडेंट्स का नाम होगा। और मैं आपको एक सिंपली एक एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी आप चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, सब खुद से रिलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इवन हम 9th वाले स्टूडेंट्स की बात करें, सबको बताना चाह रहे हैं 6th के, क्योंकि सबके मतलब सबके रिजल्ट में दो तीन चीज़ें कॉमन है। एक तो ये कि किस स्टेट में आपका एडमिशन हो रहा है, दूसरा आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, तीसरा कौन कौन से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का, और चौथा वेटिंग लिस्ट वालों का नाम भी मेंशन है। तो हम इसी चीज़ को, इन चारों पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करेंगे। हम सबसे पहले किसी एक रिजल्ट को डाउनलोड कर ले रहे हैं, हम अभी डाउनलोड करके इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हम ये भी बताएंगे कि सबका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेम है। मतलब ये है कि सबका डॉक्यूमेंट्स मतलब ये कि 11th में जो स्टूडेंट्स अप्लाई किए चाहे वो साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स हो, सबका डॉक्यूमेंट्स सेम होगा। वही 6 और 9 का डॉक्यूमेंट जो है वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है, थोड़ा अलग है, बाकी उसमें भी सब कुछ रिक्वायर्ड होंगे जो मैं उसमें भी बता दूंगा। खैर अभी जो है फिलहाल हम 11 साइंस वाले स्टूडेंट्स के, मतलब 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका जामिया होगा, उसके बारे में बताने वाले। देखिए अगर आप रिजल्ट देखे होंगे तो आपको, जैसे अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 11 आर्ट्स का, इनका जो एडमिशन का डेट दिया गया 1 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में, यानी टाइम काफ़ी है, आप आराम से तब तक अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे। इस तरीके से चाहे वो साइंस वाले हो, आर्ट्स और कॉमर्स वाले हो, उन सबका डेट दिया होगा। हो सकता है कि आई थिंक सबका यही डेट हो मेरे ख्याल से, क्योंकि एक ही दिन रिजल्ट आया, तो ऐसा हो सकता है कि सेम डेट हो, वरना हो सकता है डेट चेंज हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप अपना रिजल्ट जो देखे है ना, जो उसमें आपका नाम आया है, उस पीडीएफ में देखिएगा, आपको एडमिशन का डेट दिखा होगा। ठीक, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। यहाँ पे मतलब यहाँ से पॉइंट नंबर 3 पे हम थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा क्या होगा। देखिए अभी फिलहाल हम डॉक्यूमेंट्स के भूल जाते हैं, हम बताते हैं एडमिशन किस तरीके से होगा। आप सबसे पहले जामिया के गेट नंबर या सिंपली गेट नंबर 17 में जाएंगे, क्योंकि यहीं पे स्कूल है। उसके अलावा यहाँ वहाँ भी जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाना पड़ेगा, तो बेसिकली वहाँ जब कैंपस में जाएंगे तो किसी से भी पूछ लीजिएगा कि भाई जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से फाइनेंस वाला कहाँ पे है, वो आपको बता देंगे। अब आप स्कूल में जब पहुँच गए तो उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, आपको एक फॉर्म मिलेगा, A4 साइज का फॉर्म होगा, आपको उसमें बेसिक डिटेल फिल करना पड़ेगा। बेसिक डिटेल में आपका अपना रोल नंबर कौन सा, एडमिट कार्ड का जो रोल नंबर, इसके अलावा आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, और पर्सनल डिटेल मतलब फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा सिग्नेचर, यही बेसिक रिक्वायर्ड होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा, मतलब उसके जस्ट बाद उसके साथ में अटैच होगा डॉक्यूमेंट। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का क्या चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है आपका एडमिट कार्ड, दो चीज़ें लेकर जाएगा, मतलब मिनिमम अभी बता रहा है एडमिट कार्ड, आप जो फॉर्म अप्लाई किए ना उसका प्रिंट, फॉर्म जो अप्लाई किया ना कि हाँ भाई हमने 11 साइंस में अप्लाई करा है, तो वो जो जब आप जामिया में अप्लाई किए थे 11 साइंस का, मतलब जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, उस टाइम एक फाइनल पेज मिला होगा, उसको और एडमिट कार्ड को लेकर जाएंगे। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स हो गया। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ लेकिन यहाँ पे तीन चीज़ें मेंशन है, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, तो वो फोटो लेकर जाइएगा जो आपने फॉर्म फिल करने टाइम डाला था। अगर नहीं है तो कोई वैसा प्रॉब्लम, लेकिन बेहतर हो कि जो आपने फॉर्म फिल करने टाइम अप्लाई करा था उस फोटो को लेकर दीजिए। ये चीज़ें क्लियर हो गया, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ये रिसेंट पासपोर्ट साइज, तीन चीज़ें क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करें प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे आप 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 10th की मार्कशीट रिक्वायर्ड होंगे, 10th की मार्कशीट आपको लेकर जाना पड़ेगा। अब उसमें क्या है कि आपका 10th के मार्कशीट में क्या चेक किया जाए, उसका एलिजिबिलिटी चेक किया जाए। जैसे 11th साइंस में आई थिंक जो है 61 मार्क्स एटलीस्ट इंग्लिश होना चाहिए, बाकी ओवरऑल आई थिंक 60% के आसपास है, यही कहा गया। वो तो आप देख लीजिएगा, मतलब ये है कि प्रोस्पेक्टस में बताया कि मिनिमम कितना चाहिए 10th के मार्क्सशीट। ऑब्वियसली ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 60+ मार्क्स होंगे मिनिमम ओवरऑल, तो मार्कशीट रिक्वायर्ड होंगे। यानी चौथा डॉक्यूमेंट जो आपका मार्कशीट हुआ, मतलब पहला हो गया आपका एडमिट कार्ड, दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तीसरा फोटो, चौथा आपका मार्कशीट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सी और डी में क्या करा। सी में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, देखिए अगर बर्थ सर्टिफिकेट आप बना रखे हैं तो उसको लेकर जाएंगे, अगर नहीं बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है ना, तो उसके जगह पे आपका जो
टेंथ का जो सर्टिफिकेट है उसको एज अ माना जाए कि वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, मतलब टेंथ के मार्कशीट को मार्कशीट भी माना जाता है और बर्थ सर्टिफिकेट भी माना जाता है। तो अगर आपके पास वैसा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। डी में कह रहा है ऑप्शन डी, मतलब आप आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, यहाँ पे कह रहे हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस से आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होगी, आधार कार्ड लेकर जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद अगला पे आ रहा है, यहाँ पे ई में और जी और एच में, यहाँ पे तीन चीज़ को समझिएगा। देखिए वैसे स्टूडेंट्स जो अपना कैटेगरी डाले थे फॉर्म फिल करना, ओबीसी एसटी डाले थे, उनको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। हो सकता है उसका नाम मुस्लिम में हो जनरल में हो, लेकिन आपको ओबीसी का और एसटी का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी है अगेन, जैसे जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उसको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। नाम किसी लिस्ट में भी आ जाए लेकिन आपको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, ये चीज़ समझिए इस बात को। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगला यहाँ पे कह रहा है कि कैंडिडेट सीकिंग कैंडिडेट अंडर कश्मीरी माइग्रेंट। अब जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनको अपने माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्लियर है। इसके अलावा ये है कि मतलब फॉर्म में आई थिंक मेरे ख्याल से, हालांकि यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स मेंशन नहीं है, क्या नहीं मेंशन है, जैसे मुस्लिम में जो स्टूडेंट्स है, समझिए थोड़ा, मुस्लिम में जो स्टूडेंट्स है वो दो स्टूडेंट्स हो जाते हैं, एक मुस्लिम गर्ल हो जाती है और दूसरा मुस्लिम वुमेन हो जाती है, क्योंकि फॉर्म फिल करने टाइम आई थिंक ये पूछा गया था मेरे ख्याल से। तो जो मुस्लिम गर्ल है उनको मुस्लिम गर्ल का एफिडेविट बनाना पड़ेगा, और जो मुस्लिम वुमेन है उनको मुस्लिम वुमेन का एफिडेविट बनाना पड़ेगा, और मुस्लिम में जो जनरल स्टूडेंट्स है जिन्होंने मुस्लिम सिर्फ चूज करा था, जैसे मैं आपको रियल में दिखाऊंगा, जिन्होंने मुस्लिम में जो जनरल चूज सॉरी जो जो मुस्लिम में जनरल कैंडिडेट है और उन्होंने मुस्लिम चूज करा था, उनको भी मुस्लिम होने का एफिडेविट देना पड़ेगा। सवाल होगा कि सब एफिडेविट कहाँ बनाएंगे, मैं आपको एक सजेशन यहाँ पे दूंगा, हालांकि हमारा वहाँ पे कोई एक पैसे का डील नहीं है, मगर मैं आपकी बेहतरी के लिए सजेस्ट करूंगा, ओखला हेड पे ही आफ्ताब डॉक्यूमेंटेशन के नाम से है, आप वहाँ पे जाकर बड़ा इजीली मेरे ख्याल से 80 या 100 रुपये के आसपास में एक एफिडेविट बनाता है, वो बड़ा इजीली 5 मिनट आपको बना कर देगा, आपको घर से बना के जाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे बड़ा इजीली बना सकते हैं। कहाँ पे, जामिया के पास में ओखला हेड है, मुश्किल से एक बैटरी वाला होगा, उनसे बोलिए भाई मुझे ओखला हेड पर छोड़ दो, उसके बाद आफ्ताब डॉक्यूमेंटेशन किसी से पूछिएगा, वरना गूगल पर सर्च करके उसके एड्रेस पर जाकर आप एफिडेविट बना लीजिएगा, जो भी एफिडेविट अगर गैप है तो गैप का भी बन जाएगा, नहीं है तो कोई भी बात नहीं। अब इसके बाद अगला पॉइंट भी यहाँ कह रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जो कि देना पड़ेगा। उसके अलावा आपका ब्लड ग्रुप आपसे मांगा जा रहा है, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या मतलब हॉस्पिटल हो या उस टाइप हो जहाँ MBBS वगैरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हो, तो भी जब सिंपली आपका ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना पड़ेगा, मतलब जो मैंने आपको अब तक बता दिया, बाकी दो चीज़ें और सभी हम आपको रियल दिखाते हैं। इसके अलावा होगा क्या, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे ना तो सामने जो आपके जो टीचर वहाँ बैठे होंगे फॉर्म जो फिल करके और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उनको देंगे, तो बस हालांकि फोटो सब लेकर जाएंगे, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, फॉर्म एक बार देख लें हाँ भाई क्या क्या फिल कराए, उसके बाद मिला लेंगे, मिला लेने के बाद वो फिर आपको साइन करने के बाद दूसरे टीचर के पास हो सकता है वो भेजेंगे कि भाई उनके पास चले जाओ, फिर उनके पास जाएंगे तो वो फाइनल वेरिफिकेशन करेगा, फाइनल वेरिफिकेशन करने के बाद समझिए थोड़ा, फाइनल वेरिफिकेशन करने के बाद आपको फाइनल एक A4 साइज का स्लिप मिलेगा, फीस स्लिप मिलेगा, यहाँ पे अगर कैंडिडेट टू सबमिट ए काउंटर फाइल, आपको फिर सबमिट करते ही एक स्लिप मिलेगा, उस स्लिप में आपको मेंशन किया हो रहा है कि हाँ भाई आपको कितना पेमेंट करना है, फिर वो पेमेंट करने के लिए मतलब वो स्लिप आपको मिलते ही A4 साइज का मिलेगा, जो कि 4 पार्ट में होगा, क्योंकि वो फीस स्लिप है 4 पार्ट में, इसलिए है क्योंकि होता है क्या ना कि आप फिर मतलब फीस स्लिप मिला उसके बाद जस्ट बाद आप जाएंगे जामिया के बैंक में, जामिया के पास 2 बैंक है, इंडियन बैंक और है और इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, दोनों में किसी बैंक में जाकर आप ये स्लिप दिखाएंगे और वो बैंक वाला मैनेजर जो आपसे पैसा मांगेगा जो मेंशन रहेगा फीस स्लिप में, फिर वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उतना पेमेंट करने के बाद ये हाफ पार्ट जो है ना, ये मैं समझिए, ये हाफ पार्ट जो है आपके जो बैंक वाला वो रख लेगा, आपके पास ये वाला हाफ पार्ट बच जाएगा, समझ ना, हाफ पार्ट ये बचेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद बैक टू बैक फिर से आप जहाँ एडमिशन लिए जिस जगह पर एडमिशन लिए वहीं पे फिर से जाएंगे, जाने के बाद वहाँ क्या करना होगा अभी मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये हाफ पार्ट है, अभी हाफ पार्ट रहा समझ लीजिए, इस हाफ पार्ट में इसका एक पार्ट जो होगा वो जामिया स्कूल में जाकर सबमिट करना पड़ेगा, और ये एक पार्ट जो है आप बैक टू बैक घर लेकर चले जाएंगे, बस यही जामिया स्कूल में एडमिशन का प्रोसीजर है, चाहे आप 6 के लिए हो, 9 के लिए हो या 11 के लिए हो, सबके लिए यही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। आई थिंक जो चीज़ें हमने बताया वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यही है जामिया में स्कूल में एडमिशन का प्रोसीजर। अब रहा सवाल कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया, तो देखिए वेटिंग लिस्ट में जो नाम है जिन स्टूडेंट्स का, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये रिजल्ट, जैसे ये देखिए इस बार का कट ऑफ क्या है और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे देखिए जनरल स्टूडेंट्स है जिनका नाम आया है, और इनको देखो जनरल स्टूडेंट्स को अपने कोई कैटेगरी उसको सबमिट करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी जनरल माना जाएगा, लेकिन किनको देना पड़ेगा, यहाँ भी जनरल अभी है, और इसके बाद देखिए ये भी अभी भी जनरल ही है, यहाँ पे देखिए ये जो मुस्लिम जिस भी स्टूडेंट का मुस्लिम कैटेगरी में नाम आया है उनको मतलब मुस्लिम कैटेगरी में
कैटेगरी में नाम आने का दे नहीं देना पड़ेगा, बल्कि जो मुस्लिम में जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स है जिन्होंने मुस्लिम चूज करा था, मतलब समझिए मुस्लिम में जो जनरल स्टूडेंट्स है, जैसे समझिए यहाँ पे अब कोई मुस्लिम है शेख सैयद पठान मलिक है, उन्होंने जामे के फॉर्म में मुस्लिम चूज करा था, तो उनको जो है मुस्लिम होने का एफिडेविट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब शेख सैयद पठान वगैरह ऑब्वियसली वो जनरल में आते हैं इंडिया के हिसाब से, लेकिन जामिया के हिसाब से वो एज ए मुस्लिम कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसलिए उनको मुस्लिम कैटेगरी का एफिडेविट देना पड़ेगा, और वो एफिडेविट दे जो है सो जामिया के पास में फ्लैट वहाँ बनता है। क्लियर है? तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा था, बाकी ज़्यादातर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ मुस्लिम है, यहाँ भी मुस्लिम का, मुस्लिम वेमेन का उनको एफिडेविट देना पड़ेगा मेरे ख्याल से, और मुस्लिम ओबीसी का भी उनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का भी, जो जो क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हर स्टूडेंट का, जैसे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है हर कैटेगरी का, तो मैं यहाँ पे कहूँ जिस भी स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, अब कहेंगे सर अगला लिस्ट कब आएगा, नेक्स्ट लिस्ट जो आएगा यहाँ पे ठीक एडमिशन हो जाने के बाद, जैसे पहला लिस्ट का अगर बात करें तो 4th अगस्त तक एडमिशन हो रहा है, तो नेक्स्ट जो लिस्ट आने वाला होगा ना वो 5th, 6th या 7th अगस्त के आसपास में आपके लिस्ट आएंगे, लेकिन वो जो लिस्ट आएंगे वो वेटिंग लिस्ट वालों का आएगा, मतलब वेटिंग लिस्ट वालों का जो एडमिशन का जो मौका मिलेगा वो 5 से 10 के बीच में, अगस्त के बीच में फिर से लिस्ट आएगा, अगर सीट खाली रहेगा तभी उनको मौका मिलेगा और उसके बाद एडमिशन। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 3-4 हर कोर्स में, मतलब जितने भी वेटिंग लिस्ट है कम से कम 3-4-5 मान लीजिए एटलीस्ट क्लियर होगा ही होगा, मिनिमम 5 हर कोर्स में लगभग, वरना ये कि आने वाले टाइम में पता चले गए, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर दिया करिए, उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएंगे, अगर आपको बात नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू।